हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुद्गल बाबा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज के जमाने में लोगों के दांतों में ज्यादा कैविटीज क्यों होती है पिछले जमाने के कंपैरिजन में। आज इस वीडियो में हम मेनली तीन चीजों पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर लोग दिन में दो बार ब्रश करते हैं और फिर भी कुछ ना कुछ दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती ही है, जबकि दूसरी तरफ हमारे दादा परदादा जिनके जमाने में टूथब्रश और टूथपेस्ट भी नहीं होते थे, सिर्फ नीम की दातुन ही होती थी, उनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी बल्कि उनके दांत बहुत मजबूत हुआ करते थे। ऐसा क्यों? अगर सर्वे की माने तो सिर्फ इंडिया में ही हमारे पास लगभग कैविटी के 1 करोड़ से ज्यादा केसेस आते हैं, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। ऐसा नहीं है कि पुरानी जनरेशन में ऐसे केसेस नहीं होते होंगे, पर अब ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी जनरेशन में पुरानी जनरेशन के मुकाबले इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं? इसके कई रीजंस हो सकते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला रीजन है खाने की क्वालिटी। अगर आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा रीजन है। हम सभी जानते हैं कि खाने की क्वालिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है। पहले जमाने में खाना अच्छी क्वालिटी का होता था, प्योर होता था, कोई मिलावट नहीं होती थी, जिसकी वजह से खाने पीने से ही जरूरत के सभी मिनरल्स मिल जाते थे जो कि दांतों को और मजबूत बनाते थे। पर आज के जमाने में बिना मिलावट वाली कोई भी चीज मिल पाना बहुत मुश्किल है। इंजेक्शन लगा लगा के मार्केट में फल और सब्जी पहुंचाए जाते हैं। खुद सोचिए, आजकल सारी सब्जी सारे फल मार्केट में हर टाइम मिलते हैं, जो कि पहले सिर्फ पर्टिकुलर सीजन्स में ही मिलते थे। इसके साथ साथ आजकल प्रोसेस फूड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स, पिज्जा और भी बहुत सारे। अब होता क्या है, इन सब चीजों में शुगर लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि ये सब फूड हमारे मुंह के अंदर एसिड बनाते हैं जो हमारे दांतों को कमजोर बनाता है। अब अगला रीजन है इनडाइजेशन। अब होता क्या है, ये प्रोसेस फूड आसानी से पचता नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे पेट में एसिड होता है वो गले तक आ जाता है। अब एसिड मुंह में आएगा तो वो दांतों को नुकसान करेगा ही। अगर सर्वे की माने तो पूरे संसार में हर चौथा इंसान इनडाइजेशन से परेशान है। अब अगला रीजन है फिजिकल एक्टिविटीज। अब होता क्या था, पहले जमाने में ज्यादातर लोग खेती करते थे, जिससे वो पूरे दिन खेतों में काम किया करते थे। अब क्योंकि वो पूरे दिन शरीर से मेहनत करते थे तो इनडाइजेशन का कोई इशू ही नहीं था, जबकि हम लोग ज्यादातर ऑफिस में काम करते हैं, पूरे दिन बैठने का ही काम होता है और उसके साथ में ना तो कोई वर्कआउट करते हैं, जब मन चाहे जो मर्जी खाते हैं, फिर बोलते हैं कि खाना ठीक से पचता ही नहीं है। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। पिछले जमाने में लोगों का फिक्स रूटीन होता था, टाइम पे सोते थे, टाइम पर उठते थे और टाइम पे ही खाते पीते थे, पर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हमारा कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, ना ही खाने पीने का और ना ही सोने का। अब जब कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है तो बॉडी भी अकॉर्डिंगली अडेप्ट नहीं कर पाती और फिर वही पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर की इनडाइजेशन। अब नेक्स्ट सीजन की बात करते हैं। अब इसके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। आजकल स्मोकिंग तो ट्रेंड बन गया है। स्मोकिंग और तंबाकू की वजह से मुंह का कैंसर तो होता ही है, गम्स डिजीज भी होती है जिससे दांत टूटने के चांसेस बन जाते हैं, और भी बहुत सारे नुकसान है स्मोकिंग और तंबाकू के। मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक URL डाल दिया है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। आपके हिसाब से और क्या रीजन हो सकते हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम लोगों ने रीजन तो जान लिए हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमारे दांत हेल्दी रहें? देखिए, अब पिछले जमाने जितना हेल्दी और नेचुरल खाना तो मिलना पॉसिबल है नहीं, पर हम लोग प्रोसेस फूड का कंजप्शन कम कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, उन चीजों से दूर रहें या कम खाएं जिनसे हमारे दांतों को नुकसान होता है। हेल्दी रूटीन फॉलो करें, दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर निकालिए वर्कआउट के लिए। आई नो कि अभी बाहर जाना सेफ नहीं है, पर हम लोग घर में रहकर भी छोटा मोटा वर्कआउट कर ही सकते हैं। कोशिश करें कि अपना स्लीपिंग पैटर्न फिक्स रहे, सोने से कम आधा घंटे पहले मोबाइल फोन और टीवी से दूर रहें, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें
और हर 5-6 महीने में अपने दांतों का चेकअप कराएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैव ए गुड डे।